हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको पेटीएम के बारे में जानकारी दूंगा। पेटीएम एक ई वॉलेट है और पेटीएम जो ई वॉलेट है रिज़र्व बैंक से मान्यता प्राप्त है, इसलिए मैं पेटीएम के बारे में बताना चाहता हूँ। पेटीएम के अतिरिक्त भी बहुत सारे वॉलेट है, जैसे जियो मनी है या SBI बडी है और अनेक प्रकार के ई वॉलेट है, जिसको भविष्य में कभी बताया जाएगा, जिसके विषय में कैशलेस व्यवस्था में सहयोगी बनने के लिए पेटीएम यूज़ करना आज के लिए अनिवार्य हो गया है। नोटबंदी में लोगों को परेशानी भी आ रही है, चिल्लर की समस्या है, इसलिए यह बहुत ज़रूरी है। पेटीएम ATM आप लोग डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से बड़े आसानी से, और प्रोफाइल में जाके अपना साइन अप करके अपना अकाउंट बना सकते हैं। मोबाइल से अकाउंट बन जाता है मोबाइल नंबर से, और ईमेल आईडी डालना ऑप्शनल है, और आपको एक OTP जनरेट होगा। OTP जनरेट होने के बाद आपका अकाउंट बन जाएगा और बड़े आसानी से आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे वो बताना चाहता हूँ। जैसे ही आपका OTP जनरेट होकर आपका अकाउंट बन जाएगा, तो आपको ई वॉलेट में एक प्रकार का गुल्लक है, गुल्लक में पैसे होगा तभी तो आप यूज़ करेंगे। तो अब इस गुल्लक में पैसे कहाँ से डालेंगे? गुल्लक में पैसे आप अपने अकाउंट से डालेंगे, जो आपका अकाउंट है उससे अकाउंट में आप पैसे डालेंगे। जैसे कि मेरे अकाउंट से मैंने यहाँ पे देख रखा है, 173 रुपये पहले से ही डाल रखा है, और ये अकाउंट में और 10 रुपये मैं डालना चाहता हूँ। जैसे ही मैं डालूंगा तो मेरे पास 183 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मेरे पास 183 तो हो गया, अब इसमें करूँगा क्या? इससे मैं अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकता हूँ, बिजली का बिल पे कर सकता हूँ, और कई प्रकार की ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता हूँ। अधिकतम 20,000 रुपये की लिमिट है इससे, और जिस तरीके से ये इसके थ्रू आप जो होता है, इसमें जो 173 रुपये 100 दिख रहे हैं अभी, एड मनी में मैं मेरे क्रेडिट कार्ड से मैं डाल सकता हूँ, और ऑनलाइन बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड है, इस तरीके से सुविधाएं हैं जिससे कि आप उससे पैसे डाल सकते हैं। एड मनी जो पेटीएम जो है, इसमें एक और फायदा ये होता है कि इसे बैंक से बैंक में पैसा आप जमा कर सकते हो, किसी दूसरे के खाते के में जमा कर सकते हो, किसी के मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, किसी के मोबाइल में पैसे डाल सकते हो, और व्यक्ति किसी व्यापारी को पेमेंट करना है, आपको पेमेंट करना है, तो वो जो है उस वो जो व्यापारी है या दुकानदार है, क्यूआर कोड जनरेट करके आपको दिखाएगा। तो उसके क्यूआर कोड को आप जैसे ही स्कैन करोगे, आप उसके खाते में पैसे डाल सकोगे। इस तरीके से ये बड़ी एक सुलभ एक व्यवस्था होती है। आगे देखिए, एक मेरा कंप्लीट योर पेमेंट वाला जो ऑप्शन ये खुलने जा रहा है। जैसे ये जब खुलेगा, तो आप जैसे खाता खोल दिए, इसके बाद आपको आपको गुल्लक में पैसे डालना है, ई वॉलेट में पैसे डालना है, तो वो उसकी एक छोटी सी प्रक्रिया है, वो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये प्रक्रिया कैसे काम करती है। ये थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, इसलिए भाइयों थोड़ा सा समय लग रहा है, और बड़ा आसान है, कोई ऐसा इसमें कठिन वाला काम नहीं है, बस एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने का एक प्रयास है। भाइयों ये देखियो, जैसे मैंने अपना SBI ATM कार्ड से ये डाल रखा है, इसमें अपने ATM कार्ड डालो, CVV नंबर डालो, और इसके बाद जो एक्सपायरी डेट मांगता है वो डालना है, इसके बाद आपका आ जाएगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ATM दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, तो एक बहुत आसान ये तरीका है, और टेक्नोलॉजी के माध्यम आत्मनिर्भर बनिए, कैशलेस व्यवस्था में देश को सहयोग करिए, और राष्ट्र को हाईटेक बनाने में आप पूरा सहयोग कीजिए। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।